हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम में कुछ बातें बता देता हूं जिसे आपको याद रखनी है। सो आप जो ये आगे का क्षेत्र देख रहे हैं इस ब्रेन के यानी मस्तिष्क के, इस क्षेत्र को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। ये जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और ये क्षेत्र जो होता है इसे हम कहते हैं पाश्च मस्तिष्क। तो और भी कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर होता है सेरिबलम और मेडुला। मेडुला होता है यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र आपको पर्पल कलर में दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेरिज्जू। तो ये तो कुछ अंग हैं जिसके बारे में आपको याद रखने हैं मस्तिष्क में, और आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क के बारे में, तो मानव मस्तिष्क मानव के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका कार्य होता है हमारे शरीर में सोचने, समझने और शरीर के अन्य अंगों के कार्यों में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करना। यदि मानव का मस्तिष्क ना हो तो वह व्यक्ति किसी भी कार्य को ना तो कर सकता है और ना ही उसके अंदर सोचने व समझने की क्षमता होती है। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य में 1400 ग्राम का मस्तिष्क होता है, और जो मस्तिष्क होता है वो प्रतिदिन 12 से 25 वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न करता है। और मानव शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो ये हमारा मस्तिष्क कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो इसे आप याद रखें पॉइंट्स को। और मस्तिष्क में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो हमारे एक विशेष अणु के कारण होता है जिसका नाम है न्यूरोकेमिकल। न्यूरोकेमिकल के कारण ही हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका कोष, या न्यूरॉन कहते हैं इसे हम लोग। तो न्यूरॉन जो होता है ये हमारे ब्रेन में ठीक उसी तरह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक उस जिस प्रकार की कंप्यूटर में CPU, जिस प्रकार कंप्यूटर पूरी तरह से CPU पर निर्भर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका कोष पर यानी न्यूरॉन पर निर्भर होता है। अब जो हमारा मस्तिष्क है उसे हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पाश्च मस्तिष्क। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और अग्र मस्तिष्क को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक है परामस्तिष्क और दूसरा है डायएन्सीफेलॉन। तो ये 2 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, और अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 2 वर्गों में बटा होता है जिसे आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे मैं लिख रखा है कॉर्पस कैलोसम, ये परामस्तिष्क को जोड़ते हैं। सेरिबलम जो है ये हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। जिस व्यक्ति में सेरिबलम कम विकसित होता है या विकसित नहीं होता तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। अधिकतर जो मानव की क्रियाएं होती हैं वो सभी की सभी सेरिबलम के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो सेरिबलम है वो हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण अंग है। डायएन्सीफेलॉन हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा अंग होता है जो कि दर्द, रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मध्य मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का हमारे बीच का हिस्सा होता है। इसमें कई छोटी छोटी तंत्रिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो भाग है हमारे मध्य मस्तिष्क का ये हमारे देखने की शक्ति और सुनने की जो शक्ति होती है उस पर नियंत्रण करके रखता है। पाश्च मस्तिष्क की हम बात करें तो जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, तो पाश्च मस्तिष्क जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्टेम्प और मेरिज्जू। तो अनुमस्तिष्क जो होता है उसे हम कहते हैं मेटेन्सीफेलॉन, भी इसे हम कह सकते हैं। ये पेशिका
पेशियों मुद्रा गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और हमारे मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क है उसमें मस्तिष्क स्टेम्प होती है जो कि हमारे श्वासन को कंट्रोल करती है, यानी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा उससे जुड़ी होती है ये। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क स्टेम्प है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के नीचे रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ एक अंग है। इस क्षेत्र में मेडुला होता है जो कि हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये देखता है। मेडुला, मेडुला एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था अभी पहले। मेडुला से ही प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया वह होती है जिसमें आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे आप क्या ठीक है क्या नहीं, ये सब जो क्रियाएं होती हैं आपको जो महसूस होता है वो सारे की सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें हंसना हो सकता है, आप किसी चीज़ को देखकर हंसते हैं तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। किसी भी चीज़ को देखकर आप रोते हैं तो ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। हंसना, रोना, उल्टी करना भी यहाँ तक कि एक प्रतिवर्ती क्रिया में ही आता है। ह्यूमन ब्रेन में मेडुला जो होता है ये हमेशा एकदम पीछे स्थित होता है। पीछे का भाग जो मेडुला के होता है उसे हम कहते हैं मेरिज्जू। मेडुला का जो पिछला भाग होता है उसे हम कहते हैं मेरिज्जू। और मेरिज्जू के मध्य में एक नाल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय नाल। और इसी नाल में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाला एक प्रकार का द्रव होता है। सो ये तो था मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।